मंदसौर के थाना शहर कोतवाली पुलिस ने 2 किलो अवैध अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अफीम लेकर आए थे और रतलाम जिले के जावरा में डिलीवरी देने वाले थे। सिटी कोतवाली TI अमित सोनी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रविवार की शाम प्रतापगढ़ रोड 10 नंबर नाके के निकट बाइक सवार 2 व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम को बरामद किया गया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस ने राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के सिमलिया निवासी शिवलाल गुर्जर और मथुरा लाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अवैध मादक अफीम को गांव के ही शिवलाल गुर्जर से लिया था, जिसे रतलाम जिले के जावरा निवासी भूरा भाई को देना, इससे पहले कि वो सिटी कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोतवाली पुलिस आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी। टीम कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर दबिश दी गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर दस्तयाब हुए थे, जिनके पास से 2 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम मिला है। उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये दोनों ही एक शिवलाल गुजर है, जो सेमलिया थाना जावदा चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, और एक लोकेश धाकड़ चंद्रपुरा थाना जावदा चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। ये राजस्थान के निवासी हैं और जावरा तरफ देने जा रहे थे। इनको 10 नंबर नाके के पास से गिरफ्तार किया।